हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज एक बार फिर से मैं आपको आरपीएफ की नई अपडेट देने वाला हूं तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको जो भी आरपीएफ से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे तो वो ऑथेंटिक न्यूज़ ये है कि जो आपने दो में आर के एन वाले पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे उनके एडमिट कार्ड आज अपलोड कर दिए गए हैं और उनके एडमिट कार्ड आपको कहाँ पे मिलेंगे तो उसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये मेन साइड ओपन हो जाएगी जो रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फ़ोर्स की है तो यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए थे उसके आप जब इस ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा कि कोलेटर फॉर सी बी टी इज़ अवेलेबल नाउ तो यहाँ पे आप जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेटर फॉर सी बी टी तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो जितने भी ग्रुप थे सभी ग्रुपों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं और एग्जाम भी तीस मार्च से स्टार्ट हो रही हैं तो अपने एडमिट कार्ड चेक कर लें और अपनी एग्ज़ाम डेट भी देख लें कि आपकी एग्ज़ाम डेट कहाँ है अगर दूर आपका सेंटर है और आप एस सी से बिलोंग करते हैं तो अपना जो पास है वो भी जल्द से जल्द बनवा लें ताकि आपकी जो सीट है वो भी कन्फर्म हो जाए ट्रेन में और भी जो स्टूडेंट है अदर कैटेगरी के, के वो भी अपना एडमिट कार्ड देख के और जो सेंटर जहाँ पर आए वहाँ पे अपना पास बनवा ले ताकि आपको आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ से अपने एडमिट कार्ड जल्दी चेक कर ले क्योंकि एक स्टूडेंट का मैंने अभी देखा है उसका एग्ज़ाम 30 मार्च को ही है तो आपका भी एग्जाम शायद तीस मार्च से पहले भी कई स्टूडेंटों का होगा इसलिए आप चेक कर ले जिस भी ग्रुप से आपने उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जो एन सी जो पोस्ट हैं उनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है लेकिन अगर आपका जी थोड़ा वीक है तो जीके के लिए मैंने बुक बता रखी है अपने वीडियो में तो आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं और उनका जो बुक्स हैं उनकी जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आपका जी थोड़ा वीक है बाकी अपनी जो मैथ और रीजनिंग

चैनल पे देखोगे मेरे पे तो मैंने बहुत सी जो आंसर की है वो अपलोड कर रखी है जैसे ये आरपीएफ पी की आंसर की हो गई और और भी आंसर की हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो तो जो भी आपको जितने भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो आंसर की के आर पी और एस के तो वो इस चैनल से आप निकाल लेना बाकी जो आपको और कहीं से भी सोर्स से मिले तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो बाकी जो जीके के लिए जो बेस्ट बुक बता रखी है मैंने उनसे बाहर कोई भी मैटर नहीं जाएगा और रीजन मैथ का जो बता रखा है वो आपको पैटर्न बताई दिया है और उनके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको किसी साइट पे तो नहीं मिलेंगे लेकिन जैसे आंसर की आई थी मैंने यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर रखी है छः सात आंसर की अपलोड कर रखी है तो वो आप देख लें और उनके जो क्वेश्चन हैं वो भी आप निकाल लें ठीक है तो आपका जिस भी ग्रुप से आपका फ़ॉर्म भरा हुआ है उस ग्रुप पे आप क्लिक करना जैसे आपने ए ग्रुप से फॉर्म भर रखा है तो ए ग्रुप पे आप क्लिक करना जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आपके आर पी एफ कॉन्स्टेबल और एस आई के एडमिट कार्ड ओपन हुए थे वैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का साइन आ जाएगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको एक तो प्रिंट आउट का निशान शो करेगा और एक आपका कोलेक्टर जो एडमिट कार्ड है उसका निशान शो करेगा साथ में एस सी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो फ्री पास का है वो भी वहाँ पे शो करेगा तो वहाँ से आप अपने फ्री पास का जो एडमिट कार्ड है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके और उसको अपने जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ से अपनी जो भी ट्रेन आपको सफिशेंट लगे आपका जहाँ पर सेंटर आए वहाँ से आप टिकट बनवा लें सेकेंड पास की तो अगर आप वैसे ही जो पास आपको यहाँ से मिलेगा अगर आप वैसे बिना टिकट करवाए अगर आप ट्रेन में सेकेंड क्लास में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपका वो मान्य नहीं होगा और आपको टी को जो पे है रिफ़ंड है वो देना पड़ेगा इसलिए पहले भी काफ़ी स्टूडेंटों ने ये कहा था कि सर हमारे पास तो पास था फिर भी टीटी ने रसीद काट दी तो वो इनवैलिड होता है ठीक है जब तक आप उसकी टिकट नहीं बनवाओगे जब तक वो इनवेलिड ही रहेगा आपको अपनी नज़दीकी जो आपने सेंटर डाला है मतलब आपका जो नज़दीकी जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वहाँ पे जाके उसकी एक कॉपी साथ में अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आप जमा करवाओगे वहाँ से एक स्लिप ले, ले लेना रिजर्वेशन की जो जिस ट्रेन में आपका बनवाना हो तो आप वहाँ पर बनवा लेना वो आपको टिकट देंगे तो वो टिकट ही वैलिड रहेगी आने और जाने के लिए तो आप अपनी टिकट बनवा लें इसी के साथ मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तो जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे ही न्यू अपडेट आए आपको अपने यूट्यूब के नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए इसी के साथ मिलता हूँ जय भारत जय हिंद